कैमरा जो वोरीज वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। ये है मेरे इजी एंड टेस्टी कॉम्बो फूड सीरीज का तीसरा वीडियो जो कि है दही बड़ा विद आलू दम। इसे हम ओडिशा सोल फूड के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद में ये लाजवाब होता है। इंग्रेडिएंट्स का सारा लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप बड़ी आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। पहले हम बना लेंगे दही वड़ा। दही वड़ा बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया और उसमें ऐड किया है करीब 1.5 कप उड़द दाल। इसे हम बीरी दाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगा पानी। पानी का इस्तेमाल मैंने 2 कप का किया है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें ज़रूरत नहीं है करने का। 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसे मैं सोख होने छोड़ दूँगा 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से सोख हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बढ़िया से सोख हो चुका है। अब मैं इसका बना लूंगा एक फाइन सा पेस्ट। पेस्ट बन चुका है। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल गाढ़ा है, मैंने इसे उतना पतला नहीं किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसे मैं फर्मेंट होने रख दूंगा 4 घंटे तक। तब तक मैं अपना बटर मिल्क यानी कि छाछ बना लूंगा। दही लिया है 250 ग्राम, उसमें मैंने ऐड किया है करीब 3 कप पानी। एक विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा जीरा और ड्राइड रेड चिली का एक पाउडर जिसे मैंने पहले से बना के रखा था। करीब 1 चम्मच ऐड कर दूंगा वो पूरा पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा रेड चिली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट स्वाद अनुसार और अच्छे से विस्क कर लेंगे। थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा चीनी करीब 1/2 टेबलस्पून और एक बार अच्छे से विस्क कर लेना है और बस आपका बटर मिल्क बिल्कुल तैयार है। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बैटर है बिल्कुल फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। साइज में इंक्रीज हो चुका है, ऊपर में हल्का हल्का बबल्स आ चुका है यानी कि बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा ग्रीन चिली पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर पेस्ट और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद 1 चम्मच की मदद से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक ऐड कर दूंगा स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई पे तेल रख दिया है, बिल्कुल आराम आराम से आपको बैटर डालना है इसमें। ये बहुत ही आसान है। शेप्स का बारे में आप चिंता मत करिए क्योंकि ये हम ओडिशा स्टाइल बना रहे हैं तो शेप्स मैटर नहीं करता है। आप किसी भी शेप का वड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल आराम से डालना है, 1 चम्मच की मदद से हमें एक एक करके ये बैटर डालते रहना है। गैस को आप एक बार हाई करिए और फिर हल्का सा कमाइए, फिर हाई करिए, फिर हल्का सा कमाइए। इसे हम पलट देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद मैं इसे निकालते साथ साथ डाल दूंगा पानी में। मैंने एक बैच पहले से ही बना के रखा था, ये और एक बैच है। पानी में डाल के हम रखेंगे 2 मिनट। उसके बाद हम इसे हल्का से पानी से बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और दही पे डाल देंगे। इसी प्रोसेस से मैंने सारा दही वड़ा बना लिया है। अब मैं बना लूंगा अपना आलू दम। आप देख सकते हैं दही वड़ा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। फटाफट से अब आलू दम बना लेते हैं। आलू मैंने यहाँ पे लिया 10 से 15 पीस और उसे मैंने इस तरह से काट के उबाल के उसका छिलका भी निकाल लिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं इसे फ्राई करूंगा करीब 5 से 6 मिनट तक। कढ़ाई में तेल गर्म कर दिया। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया यानी कि सरसों के तेल का। अच्छे से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं बना लूंगा अपना आलू दम यानी कि इसका ग्रेवी। उसी कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे, उसमें मैं ऐड कर दूंगा थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा हल्दी टेम्पर करने के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा प्याज। प्याज मैंने 2 मीडियम का यूज़ किया है और इसे बिल्कुल छोटे छोटे में चॉप्ड करके रख लिया है। अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा जिंजर और गार्लिक पेस्ट करीब 1-1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा गरम मसाला, ये साबुत है। अपना आलू ऐड कर दूंगा जिसे मैंने फ्राई करके रखा था। एक बार अच्छे से चला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर स्वाद अनुसार और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी ऐड कर दूंगा। पानी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है करीब 2 कप का। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप और थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बार ये उबल जाने के बाद आपका आलू दम बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
एक बार ये आलू दम उबल जाने के बाद ये डायरेक्टली दही वड़ा के साथ सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गाइस अगर आप भी मेरी तरह फूडी है और फूड से प्यार करते हैं तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट एंड कुक अनिंदा शोम, गुड बाय।